Yes, students, the last topic of this unit is relation between polymer structure and properties. Polymer ki structure ka property ke saath ke upar kya prabhav padega, ye hum discuss kar rahe hain isme. The very first is effect of polymer chain structure. Ab polymeric chains hain, macromolecules hain, unka structure ke upar kya इफेक्ट है, वो क्या क्या चीजें जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं पॉलीमर की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, किस रीजन में कितने मॉलिक्यूलर मास है, किस रीजन में कितना मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर TM एंड क्रिस्टलिनिटी. ये तो हुई चेन जो है आपकी, उसके इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर. दूसरा आएगा साइड ग्रुप भी होंगे चेन में लगे हुए, वो साइड ग्रुप क्या डिसाइड करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, किस सॉल्वेंट में है, ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कि कम है. ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जल्दी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता. तीसरा है क्रिस्टलिनिटी, कितना क्रिस्टलाइन होगा, ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो कम क्रिस्टलाइन होगा, कम साइड ग्रुप्स होंगे तो ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा. एंड सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस के ऊपर क्या रिएक्शन हो सकते हैं उसके, वो डिसाइड करेगा साइड ग्रुप. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ पॉलीमर चेन्स आर, नंबर वन इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केलेटल चेन एंड सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ स्केलेटल बॉन्ड्स टुवर्ड केमिकल रिएजेंट्स एंड हाई टेम्परेचर. तो ये चीजें हैं जो चेन की वजह से आ रही है. अब इफेक्ट ऑफ चेन, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग या लिंकेज, चेन के अंदर बॉन्ड्स होंगे तभी तो चेन बनी, मोनोमर और मोनोमर आपस में बॉन्डिंग से ही जुड़े होंगे तभी तो बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बना गए, पॉलीमर बना गए. सो इफेक्ट ऑफ लिंकेज इन पॉलीमरिक चेन जो है वो देखना है हमने. तो लिंकेज, अगर आपकी पॉलीमरिक चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इट हैज लो कन्फर्मेशनल एनर्जी. अब आपने कन्फर्मेशंस पढ़ी हैं, कन्फिग्रेशंस भी पढ़ी हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म जैसे ब्यूटेन की है, इथेन की. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता, उस वजह से फ्री मूवमेंट होती है और बहुत तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, गाउशे, एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, इस तरह की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से वो बनती है. बोलने का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स अगर आपकी चेन में है तो चेन्स जो है उसमें बॉन्ड्स घूम सकते हैं इधर से उधर, तो इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबल होगा आपका पॉलीमर. और फ्लेक्सिबिलिटी देने के साथ बट इट इज प्रोन टू क्लीवेज. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रेंथ कम है, तो क्लीवेज हो सकती है कब, ऑन हीटिंग और ऑक्सीडेशन. टूट सकते हैं बॉन्ड कब, हीट करने पे या ऑक्सीडेशन. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपकी चेन में तो इसकी वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG कम हो जाएगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. अगर कहीं कहीं डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं जैसे पॉलीएसिटाइलिन में होते हैं, एक बॉन्ड डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तो वो इंक्रीज करता है रिजिडिटी को, स्टिफनेस को, तो ज्यादा रिजिड पॉलीमर होगा. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं. अगर तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड्स हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को लो करेगा, लेकिन अगर अल्टरनेट है तो रिजिडिटी को बढ़ाएगा. डेफिनेटली रिजिड होगा तो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर TM. अब देखिए TG और TM का क्या मतलब है, एक ही मतलब है. TG इज फॉर अमॉर्फस सॉलिड एंड TM इज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है मेल्टिंग टेम्परेचर एक तरह से, ऐसा मान लो. ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स अगर हैं आपकी चेन में, लिंकेज में, तो वो इंक्रीज करते हैं रिजिडिटी ऑफ पॉलीमर, तो रिजिड होगा पॉलीमर. इथरल रिंकेज है CoC, RO, तो वो फ्लेक्सिबल होगा.
टॉर्शनल मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलास्टोमर टाइप में आ जाएगा। टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होगा तो टॉर्शनल मोबिलिटी होगी, चेन्स जो है उसमें बॉन्ड मूव कर सकते हैं, और मूव जब कर सकते हैं तो चेन भी मूव कर सकती है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, इलास्टोमर्स। ठीक है, पांचवी तरह की जो लिंकेज है वो है पॉलिएस्टर लिंकेज। पॉलिएस्टर लिंकेज में क्या होता है, आर सी ओ ओ आर, एस्टर है ना, वो इस तरफ को आ रहा है, सी ओ ओ ए भी आ रहा है, तो ये इंक्रीज करती है फ्लेक्सिबिलिटी, पर यहां पे भी प्रोन टू क्लीवेज बाय एसिड एंड एल्केली, क्योंकि एस्टर लिंकेज है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है इसकी, और एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, तो ये प्रोन टू क्लीवेज है बाय एसिड्स एंड एल्केलीज। नेक्स्ट इज अमाइड लिंकेज, सी ओ एन एच, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है एन और सी के बीच में, विच और NH2 और O इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उस पॉलीमर की स्टिफनेस होगी, सो एनी पॉलीअमाइड इज अ स्टिप, नायलोन को देख लो आप, स्टिप है ना, पॉलीअमाइड है वो, तो उसमें स्टिफनेस बढ़ती है। पॉलीयूरेथेन जो कंबल आज ओढ़ते हैं उसमें ये वाली लिंकेज होती है, सी एन एच सी ओ ओ सी ओ ओ आर, ठीक है, ज्यादा इलास्टोमर्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा होती है। सिलिकॉन लिंकेज, किसी किसी पॉलीमर में ये सिलिकॉन लिंकेज भी होती है, उसकी वजह से लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में से अमॉर्फस पॉलीमर है, एंड हाई टॉर्शनल मोबिलिटी, टॉर्शनल मोबिलिटी ज्यादा है सो इलास्टोमर्स बनेंगे, और हाई थर्मल स्टेबिलिटी, सिलिकॉन यहां पे भी आ जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तो थे आपके लिंकेज के इफेक्ट। अब साइड ग्रुप्स लगे हैं चेन के ऊपर, उनका क्या फर्क है, अगर हाइड्रोजन एज साइड ग्रुप है जो मैक्सिमम टाइम होता है तो वाटर रेजिस्टेंट होगा पॉलीमर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होगा, रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक होगा, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, सेंसिटिव टू फ्री रेडिकल अटैक, फ्री रेडिकल अटैक हो सकता है इसके ऊपर, हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होगी क्योंकि इसका स्मॉल साइज है और बेटर पैकिंग होगी, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बेटर पैकिंग होगी तो चेन्स जो है वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी, तो ज्यादा क्लोजली पैक होंगी तो क्रिस्टलाइन होगा आपका पॉलीमर। अगर एल्काइल ग्रुप है तो वो भी वाटर रेजिस्टेंट है और वो फ्लेक्सीबिलिटी को बढ़ाता है। अराइल ग्रुप है तो वाटर, इस तरह से आपने याद करने, वाटर रेजिस्टेंट है, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी सो ज्यादा स्टिफ होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो चेन्स इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगी, मूव नहीं कर पाएंगी तो पॉलीमर क्या होगा, स्टिफ होगा। उसके बाद आएगा फ्लोरीन एज ए साइड ग्रुप, जैसे टेफ्लॉन है, वाटर रिपेलेंट, रेजिस्टेंट और रिपेलेंट में फर्क है, ये तो पानी में बिल्कुल किसी भी सॉल्वेंट में नहीं घुलता फ्लोरीन वाला, जैसे टेफ्लॉन है आपकी, और स्टेबल होता है टुवर्ड ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, और ज्यादा टेम्परेचर हो चाहे कम टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी है, तभी तो टेफ्लॉन कोटेड जो है ये नॉन स्टिकी कुकवेयर है उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की होती है इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ चिपकता भी नहीं है, सबको रिपेल करता है, और टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तड़का लगाओ जो मर्जी करो टेफ्लॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन एज ए साइड ग्रुप रेजिस्टेंस टू एनी केमिकल अटैक प्रोवाइड करता है, इस तरह से दो चार और ग्रुप्स होंगे दिए हुए, एक एक दो दो लाइनें आपने से देखनी है जो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल भी आपने याद कर, जैसे मैंने तो यहां नहीं लिखे, मैं बोल रहा हूं, जैसे फ्लोरीन वाला होगा तो टेफ्लॉन आ जाएगा, क्लोरीन वाला होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाएगा, इस तरह से बोलना है, ठीक है। लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नाउ इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड मेल्टिंग टेम्परेचर। मैंने पहले कह दिया दोनों ही एक तरह से ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर के लिए होगा, ये अमॉर्फस पॉलीमर के लिए होगा, है ये मेल्टिंग टेम्परेचर ही दोनों, तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने देखा था, जो टेम्परेचर अगर ये मेल्टिंग है, यहाँ टी जी भी हो सकता है, टी एम भी हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग अपॉन डेल्टा एस ऑफ मेल्टिंग। अब अगर डेल्टा एस ज्यादा होगा तो टी कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो टी ज्यादा होगा। अब चेन फ्लेक्सिबिलिटी पहली प्रॉपर्टी है, फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी,
जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा उतना ज़्यादा रैंडम होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस ज़्यादा होगा, डेल्टा एस ज़्यादा होगा तो टी क्या होगा, कम होगा, सो मीन्स लो टी जी एंड टी, ठीक है। सेकेंड इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सी बात है जितने ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ज़्यादा चेन्स क्लोज होंगी, उतनी ज़्यादा चेन्स क्लोज होंगी तो उतना ही ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी, उतना ही ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी की तरफ को जाएगा तो उसको मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, तो ग्रेटर टी जी एंड टी एम होंगे। सो ऑर्डर ऑफ फोर्सेज किस में होता है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नॉन पोलर में होगी तो उसका सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा पोलर चेन्स में होंगी, और सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे स्ट्रांगेस्ट किस में होती है, जिन चेन्स में इन हाइड्रोजन बॉन्डेड चेन्स हो वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती है। अब ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग, अब ब्रांचेस से क्या होता है, क्रिस्टलिनिटी डिस्ट्रॉय होती है, क्रिस्टलिनिटी कम होती है, सो कम ही क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, कम ही टी जी होगा, कम ही टी एम होगा। क्रॉस लिंकिंग दो तरह की है, अमॉर्फस पॉलीमर में अगर लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग करें, चेन्स हैं ऐसे पैक्ड हैं उनमें ऐसे क्रॉस लिंक लग गए एक दूसरे के साथ जुड़ गई, अब ये भाग नहीं सकती चेन उधर को, तो अगर लो डिग्री क्रॉस लिंकिंग है तो ये इलास्टोमर बनता है, अमॉर्फस से इलास्टोमर बनना, उसमें भी टी जी और टी एम इंक्रीज करेंगे, और अगर हाई डिग्री कर दी तो बहुत ही हार्ड और रिजिड बन जाता है, तो उसका उतना ही ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होगा तो ज़्यादा ही क्या होगा, टी जी और या टी एम उसका होगा, तो इस वजह से हाई ये होगा। अब आपका दो यूनिट खत्म हो गए, 50% सिलेबस पॉलीमर केमिस्ट्री का खत्म हो गया, हम बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे, ये ऑफलाइन क्लास तो अभी पता नहीं हो रही है कि नहीं, बच्चे पूछे तो मुझे नहीं लग रहा कि आते हैं, तो ये बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। 50% इसका ख़त्म हो गया, 25% उसका ख़त्म हो चुका है दूसरे बुक का, तो अभी तो अगर आपके पेपर होने भी हैं तो वो जुलाई में होंगे, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, हम हफ्ते में एक दो वीडियो जो है आपस में शेयर करते रहेंगे ताकि धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों ने जो ये कराया जा रहा है इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इसको लर्न करना है, अपना पूरा टाइम लगाना है। ओके, थैंक यू।